तूफान देखने के लिए मेरे साथ आए हुए हैं हमारे सम्मानित बूबू जी। बूबू जी झरना का काफी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हो फिर आप भी। नमस्कार दगड़ा, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे अपने टू चैनल पप्पू ब्लॉग समय। दगड़ा एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग भी मैंने देवभूमि उत्तराखंड के हसीन वादियों से स्टार्ट कर दिया। देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा लोकेशन हो रहा है। कल शाम और आज सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी, अभी बारिश रुकी हुई है और मैं ब्लॉगिंग करने को निकल चुका हूँ। बारिश काफ़ी हो रही है और नदी नाले उफान में लगभग आ चुके हैं, और मैं आपको आज बगवाली पोखर का एक प्रसिद्ध स्थानों में से एक, पर्यटक स्थलों में से एक खरेटिका झरना दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दगड़ियों, तो यहाँ पर जैसे ही धूप आती है तो काफ़ी इधर उधर के इलाकों के और पर्यटक स्थल अदर स्टेट के लोग भी मैंने यहाँ देखे हुए हैं तो नहाने के लिए आते। एक साल पहले यहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, दो चार लड़के नहाने के लिए आए थे और उसमें से एक बंदा जो है वो डूब चुका था, उसको तैरना नहीं आता था। तो यहाँ पर सावधानीपूर्वक नहाइए धोइए, और जिसको अनुभव है नदी नालों में नहाने का वो यहाँ पर नहाने का प्रयास करें, अदरवाइज आप नदी के साइड से हाथ पैर धो के जा सकते हैं। उफान देखने के लिए मेरे साथ आए हुए हैं हमारे सम्मानित बूबू जी। बूबू जी झरना का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हो फिर आप भी। चलो ठीक है ठीक है, लेने चाहिए, ऐसे उम्र में भी घूमना चाहिए। आज छुट्टी हुई आपको, संडे हुआ क्यों जी। तो आप भी पप्पू ब्लॉग देखते रहे, जरूर देखूंगा। हाँ दगड़ियों, उत्तराखंड में ऐसी ऐसी जगह हैं, काफ़ी सुप्रसिद्ध जगह हैं, पर्यटक स्थल हैं, तो काफ़ी अच्छा सुकून मिल रहा है। पप्पू ब्लॉग से मैं पहली बार आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि पप्पू ब्लॉग की आने वाली इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए मेरे पीछे झरना कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, क्या मनोरम दृश्य है। और थोड़ी बारिश और होती है तो ये झरना काफ़ी उफान में आता है। दगड़ा यहाँ हालों में कुछ पेंटिंग की थी मेरे साथी लोगों ने जो यहाँ पर रहते हैं इधर लोकल में, तो यहाँ पर पहाड़ घूमने जरूर आया, कूड़ कबाड़ झन फैलाया। तो दगड़ो इसमें बहुत सारे लोग जो पर्यटक लोग आ रहे हैं और जो इधर उधर के लड़के आ रहे हैं तो गंदा भी कर दे रहे हैं, तो स्वच्छता अभियान भी अपनाएं। जय श्री राम जय श्री राम। अपने साथ कूड़ा करकट जो भी लाते हैं उसको अच्छे से एक जगह पर डालिए, फैलाएं ना। ये देखिए उधर भी काफ़ी, मैं थोड़ा को जूम करके दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पर पेंटिंग कर रखी है। तो एक हमारे साथी हैं ब्लॉगर, हिल ब्लॉगर, ये देखिए काफ़ी भूमिका उनकी रही है यहाँ पर पेंटिंग करने की। ये देखिए धान रुपाई का काम चल रहा है क्योंकि बारिश भी हो रही है और नदी नाले भी उफान में हैं, तो यहाँ पर गुड़ाई वाले और निराई वाले और रुपाई वाले भी आए हुए हैं। ये देखिए जब धान की रुपाई होती है तो इतना पानी चाहिए होता है खेतों में। ये देखिए कुछ यहाँ पर मेरे साइड की महिलाएं आए हैं। नमस्कार छो आपको, नमस्कार छो। और धान रुपये चल रहे से, चलो ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया है बढ़िया है। सुबह से इतना कर दिया फिर, चलो ठीक है ठीक है। आप भी धान की रुपाई भी करोगे क्या? हाँ जी। ये देखो ये भी धान की रुपाई के लिए आए हैं, ये देखिए धान की रुपाई करने के लिए। कुटेला चाहिए नहीं दीदी, कुटेला चाहिए नहीं। दो दगड़ों धान की रुपाई करने मैं भी लग गया हूँ क्योंकि ये अनुभव भी होना जरूरी है। जब धान लगाएंगे तभी हम भात खाएंगे, और भैंस का पहाड़ी चावलों का भात, नहीं तो कोल्ड स्टोर का वही सड़ा गला माल खाना पड़ता है। ये भैंस का धान होते हैं वाले, घर का चावल खाएंगे। आए कतो रागो रोब, आए रागो ने, हाँ कोई बात ना, ठीक है जा। तो दगड़ो धान की रोपाई कुछ इस प्रकार से होती है, ये देखिए। और अगर ऊपर से हल्की हल्की बारिश लगी रहती तो और काफ़ी इंटरेस्ट आता है धान की रुपाई करने में। तो एक प्लॉट यह है और दूसरा प्लॉट इधर रोड के उधर से है, वहाँ भी रुपाई का। संडे है, बगवाली पोखर मार्केट आज ऑफ रहता है, बंद रहता है, तो कुछ कुछ दुकानें जो इमरजेंसी वाली दुकानें होते हैं वही खुले रहते हैं, बाकी सन्नाटा पसरा रहता है मार्केट में।
देखो यहाँ से आपको वेल्डिंग से रिलेटेड अगर कुछ आइटम से बनाना है तो यहाँ पर बना सकते हैं। फर्स्ट क्लास एक से डिजाइनिस स्पेशलिस्ट वेल्डिंग हो रहे हैं। वारिस भाई वेल्डिंग कर रहे हैं। वारिस भाई क्या क्या बना लेते हो? जोर से बोलो, थोड़ा आवाज़ नहीं आ पा रही अभी। क्या बात? अरे गेट ग्रिल अच्छा शटर सब चलता है, ऊपर बोर्ड लगा है। शटर भी चलता है ना? हाँ तो है ऊपर बोर्ड लगा है, वो बोर्ड बहुत ऊपर है। ये देखिए कपड़े सुखाने लायक भी हो रहे हैं यहाँ, साइबर फैब्रिकेशन हैंड मिस्त्री अंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये तो दगड़े आइएगा यहाँ पर और एक से एक बेहतरीन सामान यहाँ से बनवा के ले जाएगा, काफ़ी सस्ते और किफ़ायती रेटों में।